यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक द माय यूट्यूब चैनल दिनेश ब्लॉग। तो फिर से आपके लिए एक न्यू वीडियो, जो आज का वीडियो होने वाला फ्रेशर ऑनर पे होने वाला है, जो हम पिकम के अंदर इंस्टॉल करने वाले हैं। तो इस पाती को वेल्डिंग वगैरह और छेद वगैरह कर लेते हैं, फिर आपको एंड में दिखाते हैं किस तरह से यह फिटिंग होता है। तो गाइस, हमने पाती के तो छेद कर दिए हैं काफ़ी अच्छी तरह से। तो इसके जहाँ छेद के बाद फिटिंग कर लेते हैं, स्क्रू लगा के और बोल्ट लगा के अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे, फिर आपको आगे दिखाते हैं। तो गाइस, पाती को हमने बीच सेंटर में पिकम के वेल्डिंग कर दिया है। ये देख सकते हो, बीच सेंटर में थोड़ा सा गैप आता है, उस तरह से वेल्डिंग कर दिया हमने। तो अब हमारी मोटर की नलियाँ फिटिंग कर लेते हैं और मोटर को उधर अटैच कर लेते हैं। थोड़ा तो मोटर को उधर फिटिंग करने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी, इसीलिए छोटा सा पाती लगा के हमने थोड़ा सा आगे ले लिया उसको। तो ये देख सकते हो, इस तरह से मैंने आगे ले लिया। तो इसको मोटर को फिटिंग कर लेते हैं और नलियाँ लगा दिए और इस मोटर को फिटिंग कर लेते हैं, फिर इनकी वायरिंग करेंगे। देख सकते हो, मैं इस मोटर को काफ़ी अच्छी तरह से टाइट कर दिया है और इन हॉर्नों को भी टाइट कर दिया है। तो ये देख सकते हो नाले किस तरह से मैंने लगा रखी है। आप भी लगाना चाहते हो ये वीडियो देख के लगा सकते हो, ठीक है। तो अब वायरिंग की बात कर लेते हैं, किस तरह से हमने वायरिंग की है। तो ये देख सकते हो, अर्थिंग हमने डायरेक्ट लगाया बैटरी के अंदर। इसके अंदर अर्थ काफ़ी कम आ रहा था, इसीलिए हमने डायरेक्ट बैटरी के अंदर लगा दिया। ये देख सकते हो, इस तरह से हमने अर्थिंग लगा दिया एक लॉक की मदद से। और ये प्लस का पॉइंट है, जो अंदर जा रहा है, अंदर से सीट्स के द्वारा वापस आ रहा है। तो आगे थोड़ा क्लू दिखाते किस तरह से चलता है। हाँ, हाँ चल करो। तो क्या हॉर्न चलाने के लिए हमने एक 2S स्विच का यूज़ किया है। ये देख सकते हो अंदर इस तरह से चल जाता है। तो वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करने का। आज के इतने मित्र, नेक्स्ट वीडियो में, तो के लिए गुड बाय।